हेलो बच्चों, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट रायसी नगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग। ओके, कैसे हो स्टूडेंट्स? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी अच्छे हैं और घर पर तैयारी कर रहे होंगे। और जो स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर, तो उनको बता देता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बच्चों, अपने पास आज कौन सा लेक्चर कर रहे थे? जैसा कि अपने पास राजस्थान की सीमा के बारे में अध्ययन कर रहे थे, यानी कि राजस्थान के साथ कौन से राज्य लग रहे हैं, उनकी कितनी सीमाएं लग रही हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अपने पास बच्चों नेक्स्ट देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों अपने पास बात कर रहे थे, यानी कि क्या लग रहा था। यहाँ देखो अपने पास पंजाब, पंजाब के साथ, तो पंजाब के साथ बच्चों देखो अपने पास पंजाब के साथ राजस्थान, यहाँ से अपने पास कि राजस्थान की सीमा पंजाब के साथ कितनी लगती है बच्चों? 89 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। अब देखो राजस्थान के साथ लगने वाले जिले, यानी कि पंजाब के भी बात करें तो भी कितनी है, और या पंजाब राजस्थान के लगने वाले जिले पंजाब के साथ तो बात करें बच्चों दो। और यहाँ देखो अपने पास राजस्थान वर्सेज पंजाब, तो राजस्थान के बच्चों हनुमानगढ़ और गंगानगर किसके साथ लगते हैं? पंजाब के साथ लगते हैं। और पंजाब के बच्चों फाजिलका और मुक्तसर किसके साथ लग रहे हैं? राजस्थान के साथ लग रहे हैं। यहाँ से अब देखो अपने पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ से बनता है कि राजस्थान के कौन से सीमा, कौन से जिले जो पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा बच्चों हनुमानगढ़ बनाता है और कम क्या बनाता है? गंगानगर बनाता है। ओके सर, चलो अब अपने पास बच्चों यहाँ से देखो दो नंबर अपने पास देखो कौन सा रहेगा। यहाँ से अपने पास दो नंबर रहेगा बच्चों हरियाणा, हरियाणा। तो हरियाणा के साथ बच्चों राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1262। आप कहूँ सर आपने मैप में याद करवाया था ना, तो हाँ बच्चों इसी प्रकार। अब देखो राजस्थान के हरियाणा के साथ लगने वाले जिलों की संख्या बच्चों कितनी होगी? 7 होगी। कितनी होगी? 7 होगी। यानी कि राजस्थान के भी हरियाणा के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट लगती हैं और हरियाणा के भी राजस्थान के साथ 7 जिले लगते हैं। तो यहाँ पर देखो अपने पास हरियाणा हो गया ना दो नंबर, तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो राजस्थान वर्सेज हरियाणा की बात करें, तो यहाँ देखो राजस्थान के हनुमानगढ़, यहाँ हरियाणा का सिरसा जिला, राजस्थान का चूरू, हरियाणा का हिसार, यहाँ राजस्थान का झुंझुनू, बात करें फतेहाबाद, सीकर, भिवाड़ी हो गया, जयपुर, रेवाड़ी हो गया, अलवर, महेंद्रगढ़ हो गया, भरतपुर, मेवात हो गया। तो ये अपने पास बच्चों क्या हो गए? 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, यानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर कि राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा के साथ लगते हैं। हरियाणा के अपने पास सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, ये लगते हैं राजस्थान के साथ। ओके, अब आपका क्वेश्चन मिलता है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो सर्वाधिक सीमा बच्चों हनुमानगढ़, लॉन्गेस्ट सीमा बात लिख दिया, एल से दर्शा दिया। ओके, और हरियाणा के साथ राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे कम सीमा बनाता है? तो बच्चों ये सबसे कम कौन बनाता है? जयपुर बनाता है। तो इसको मैंने एस से दर्शा दिया, यानी न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा? हरियाणा के साथ जयपुर बनाएगा। सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा बच्चों? हनुमानगढ़ बनाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ओके सर, इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे? हाँ बच्चों इसी प्रकार आएंगे। अब अपने पास हरियाणा के बाद में बच्चों कौन सा स्टेट आता है राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला? यूपी आता है। यूपी किस दिशा में रहता है बच्चों? पूर्वी दिशा में रहता है। राजस्थान के पूर्वी दिशा में कौन सा स्टेट है? यूपी रहेगा। तो यूपी के साथ राजस्थान की सीमा कितनी लगती है बच्चों? 877 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर लगती है। बात करें लगने वाले कुल जिले कितने हैं, लगने वाले कुल जिले बच्चों राजस्थान के यूपी के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पर राजस्थान वर्सेज उत्तर प्रदेश हो गया, तो इसमें बच्चों अपने पास भरतपुर, आगरा हो गया और यहाँ धौलपुर और मथुरा हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, हो जाएगा याद। ओके सर, इसमें अपने पास बच्चों भरतपुर की सर्वाधिक सीमा लगती है और धौलपुर की कम लगती है। चलो ये अपने पास यूपी हो गया। नेक्स्ट बच्चों यूपी के बाद में क्या आता है? एमपी आता है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा
यानी मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। 1600 किलोमीटर लगती है। सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ राजस्थान की सीमा लगती है? तो एमपी के साथ लगती है। लगने वाले जिले यानी कि राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले कुल जिले कितने हैं बच्चों? 10 जिले हैं, और 10 जिले एमपी की राजस्थान के साथ लगते हैं। हाँ सर, इसी प्रकार है क्या? हाँ बच्चों, तो राजस्थान वर्सेज एमपी देखा जाए तो अपने पास धौलपुर, यहाँ मुरैना हो गया, यहाँ पर अपने पास करौली श्योपुर हो गया, बात करें सवाईमाधोपुर शिवपुर हो गया। यानी कि अब आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर है वो एमपी के साथ सीमा नहीं बनाता है, एमपी के साथ सीमा नहीं बनाता है। ओके, ध्यान रखना होगा। चलो बात करें नेक्स्ट, अपने पास कोटा गुना हो गया, यहाँ 12, राजगढ़ हो गया, झालावाड़, सांजापुर या आगरमालवा। अब वर्तमान में बच्चों क्या है? आगरमालवा है, सांजापुर नहीं होगा। चित्तौड़गढ़ नीमच हो गया, बात करें भीलवाड़ा रतलाम हो गया, और प्रतापगढ़ झाबुआ हो गया। ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या हो गए? यहाँ पर बांसवाड़ा मंदसौर हो गया। यानी कि राजस्थान के भी 10 जिले हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जो आपस में सीमा बनाते हैं। यानी मध्य प्रदेश के 10 जिला राजस्थान के साथ लगते हैं और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। अब आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो बच्चों झालावाड़ क्या बनाता है? झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है किसके साथ? एमपी के साथ। किसके साथ बच्चों? एमपी के साथ। समझ में आ गया? ओके सर। सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो सबसे कम सीमा बच्चों कौन बनाता है? भीलवाड़ा। सबसे कम सीमा यानी कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा कौन बनाएगा? आपका आंसर भीलवाड़ा बनाएगा। ओके, हो जाएगा याद। अब बांसवाड़ा दे दिया तो बच्चों ध्यान रखना डूंगरपुर एमपी के साथ सीमा नहीं बनाता है, एमपी के साथ सीमा नहीं बनाता है, भरतपुर नहीं बनाता है और यहाँ पर डूंगरपुर नहीं बनाता है, इस चीज को ध्यान रखना होगा। ओके सर। चलो बात करते हैं, यहाँ पर देखो नेक्स्ट अपने पास कौन सा क्वेश्चन मिल सकता है? चित्तौड़गढ़, यहाँ देखो अपने पास, ठीक है, चित्तौड़गढ़, और एक है अपने पास कोटा। कोटा बच्चों देखो मध्य प्रदेश के साथ, कोटा एमपी के साथ ना दो बार सीमा बनाता है। समझ में आ गया? तो राजस्थान का ये क्या रहेगा? अविखंडित जिला, अविखंडित डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोटा, जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। हो जाएगा याद। चित्तौड़गढ़ है तो बच्चों ये अपने पास क्या रहता है? विखंडित जिला है राजस्थान का, जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। बस ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखना होगा। अब बात करें बच्चों, उसके बाद में गुजरात आता है, राजस्थान के साथ सीमा कौन बनाएगा? गुजरात बनाएगा। तो गुजरात, राजस्थान की सीमा के साथ गुजरात की कितनी सीमा लगेगी? 1022 किलोमीटर। कितनी लगेगी बच्चों? 1022 किलोमीटर। लगने वाले कुल जिले 6 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। बात करें राजस्थान वर्सेज अपने पास गुजरात में, तो यहाँ पर देखो बांसवाड़ा, यहाँ कच्छ हो गया, यहाँ अपने पास डूंगरपुर अरावली हो गया, उदयपुर बनासकांठा हो गया। तो राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सर्वाधिक सीमा गुजरात के साथ लगती है? तो बच्चों उदयपुर की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है। हो जाएगा याद? ओके सर। चलो उसके बाद में बात करें सिरोही, साबरकांठा, जालौर, महिसागर, बाड़मेर, दाहोद। तो अब देखो यहाँ पर और क्वेश्चन क्या बनेगा? और क्वेश्चन सर यहाँ देखो, यानी कि राजस्थान का बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे कम सीमा बनाता है किसके साथ? गुजरात के साथ। यानी ये बाड़मेर सबसे कम सीमा बनाता है किसके साथ बच्चों? गुजरात के साथ। किसके साथ? गुजरात के साथ। ये आपको याद रखना होगा। ओके चलो अब देखो सीमा रेखा पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया जाए तो कुल सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट कितनी है बच्चों? कुल सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट कितनी है बच्चों 25। यानी कि कुल सीमावर्ती कितनी है अपने पास? 25 है। अंतर्राष्ट्रीय जिले कितनी है बच्चों? बात करें तो 4 हो गए। अंतर्राष्ट्रीय कितनी हो गई? 4 हो गई।
केवल अंतरराष्ट्रीय दिया जाए। अंतरराष्ट्रीय में अपने पास कौन कौन से हैं, देखो यहां पर बता देता हूं। यहां पर अपने पास गंगानगर, उत्तर में क्या था, गंगानगर, फिर अपने पास बच्चों बीकानेर, फिर अपने पास जैसलमेर, फिर अपने पास बात करें तो बाड़मेर, यही था। अब इसकी सीमा कितनी थी, 210 किलोमीटर, बीकानेर की सबसे कम थी 168, जैसलमेर की 464 और बाड़मेर की 228। ये टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी बच्चों, 1070 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा कितनी थी, कुल स्थलीय सीमा बच्चों 5920 किलोमीटर थी, उसमें से 1070 यदि अपने ये अंतर्राष्ट्रीय घटा देते हैं तो 4850 किलोमीटर क्या हो जाएगी, अंतरराज्य सीमा हो जाएगी। ओके ओके सर, चलो केवल अंतर्राष्ट्रीय में बात करें तो देखो बाड़मेर है, बाड़मेर है वो आपका गुजरात और पाकिस्तान दोनों के साथ लगता है, गंगानगर है वो पाकिस्तान और पंजाब के साथ लगता है। तो केवल अपने पास दिया है, केवल अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट दिया है, तो बच्चों कौन से होंगे, जैसलमेर और बीकानेर होंगे। तो ये अपने पास केवल अंतर्राष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट की बात करिए तो दो हो जाएगा। अंतर राज्य जिले, अंतर राज्य जिले, तो अंतर राज्य जिलों में बच्चों अपने पास क्या हो गए, 23 हो गए, अंतर राज्य जिलों में 23 हो गए। और केवल अंतर राज्यों की बात करें तो बच्चों कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। केवल अंतर राज्य डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, हो जाएगा याद। ओके सर, अब यहां देखो बच्चों अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आंतरिक जिले कौन से हैं। तो आंतरिक जिले क्या होते हैं बच्चों, पहले तो देखो आंतरिक जिले होते हैं यानी कि ये न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, उनको क्या कहेंगे बच्चों, आंतरिक या अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। ओके हो जाएगा याद। ओके सर, तो ये बच्चों कितने हैं, ये देखो ये संख्या में क्या है बच्चों, 8 है, ये संख्या में क्या होती हैं, 8 होती हैं। सर कौन कौन से बनाएंगे, देखो जोधपुर बच्चों ये किसी अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हिस्सा नहीं है। सर नागौर भी तो नहीं है ना ऐसा, तो हाँ बच्चों नागौर भी नहीं है, 2 हो गए। बात करें सर अजमेर भी तो नहीं है ना, हाँ बच्चों इस प्रकार अजमेर भी आपका याद हो गया, 3। ओके सर जयपुर करें, नहीं बच्चों जयपुर तो सर सबसे कम सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ, ये देखो चलो जयपुर नहीं होगा। सर सीकर कर दें, नहीं बच्चों सीकर नहीं करना। अब देखो टोंक, हाँ बच्चों टोंक है, तो ये अपने पास कितना हो गया, 4। उसके बाद में बात करें तो बच्चों दोसा, दोसा 5, हाँ सर आपने तो मैप याद करवा दिया, इस प्रकार याद करना 5। सर स्वयंबाधोपुर, नहीं बच्चों। उसके बाद में सर बूंदी करें, हाँ बच्चों बूंदी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये अपने पास 1 2 3 4 5 6 हो गया। सर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा नहीं करना बच्चों। ओके उसके बाद में बात करें राजसमंद, हाँ सर राजसमंद कर दें, 7। और फिर बात करें बच्चों ये क्या हो जाएगा, पाली, 8। तो ये क्या हो गए अपने पास, अंतर्वर्ती डिस्ट्रिक्ट हो गए 8। यानी कि आपके पास देखो राजसमंद, पाली, जोधपुर 3, नागौर 4, अजमेर 5, टोंक 6, दौसा 7 और बूंदी 8। सर इस प्रकार याद करें कि राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी, हाँ बच्चों इसी प्रकार याद करें। चलो यहाँ पर हो जाएगा ना याद, इस प्रकार देखो तो ये अपने पास क्या हो गया, नागौर, नागौर, फिर अपने पास जोधपुर, पाली हो गया, राजसमंद हो गया, उसके बाद में अजमेर हो गया और अजमेर से फिर टोंक हो गया और टोंक से अपने पास बूंदी हो गया और दौसा हो गया, हो गया याद। ओके सर हो गई, तो इस प्रकार याद करना है। अब देखो सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट बच्चों कौन सा है, पाली है, कौन सा है बच्चों, पाली है। कितने सीमा बनाता है ये, 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ बनाता है, कितने जिलों के साथ, 8 के साथ। देखो सर कैसे हुआ, ये अपने पास बच्चों क्या है, ये सर हमारे देख लिया पाली है। ओके यहां देखो तो पाली 1 तो सिरोही के साथ, दूसरा जालौर के साथ, तीसरा बाड़मेर के साथ, चौथा जोधपुर के साथ, पांचवा नागौर के साथ, 6 अपने पास अजमेर के साथ, 7वां अपने पास भीलवाड़ा के साथ और 8वां राजसमंद के साथ। सर इस प्रकार है क्या, हाँ बच्चों इस प्रकार मैप देख लिया तो ओके याद हो गया।
इसके बाद में यदि बात करें तो बच्चों अपने पास क्या आता है, अजमेर आएगा। इसके बाद में यदि बात करें कर्म दिया जाए तो पाली के बाद में अजमेर, अजमेर होगा सात, और उसके बाद में यदि बात आता है तो नागौर, नागौर हो जाएगा छः, हो जाएगा याद। ओके सर, सर अजमेर का दिखाओ, देख लेते हैं। हाँ बच्चों ओके, इस प्रकार देखो अपने पास ये अजमेर। हाँ सर, इसमें एक भीलवाड़ा, दो पाली, तीन जोधपुर, नहीं तीन ये जोधपुर नहीं होगा, तीन नागौर, चार अपने पास जयपुर, पांच नंबर यहाँ पर ये हो गया टोंक, टोंक हो गया, इस प्रकार अपने पास अजमेर हो गया, यहाँ से हो गया अजमेर का, यहाँ पर अपने पास अजमेर के साथ जयपुर हो गया या नागौर हो गया, जोधपुर, एक एक दो तीन चार पांच, पांच डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। देखो यहाँ से एक बार रुको, अब अपने पास नागौर के देखो, नागौर में अपने पास एक जोधपुर, दो बीकानेर, तीन चार पांच छः और सात, तो ये नागौर का हो गया। बच्चों कर्म क्या होगा, अपने पास पाली, फिर अपने पास नागौर, ये होगा नागौर और अजमेर, ये कर्म रहेगा। ओके, पाली अपने पास सर्वाधिक यहाँ पर आठ हो गया, नागौर अपने पास क्या हो गया बच्चों, सात हो गया। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया, फिर अजमेर अपने पास क्या हो गया बच्चों, अजमेर में अपने पास हो गया अजमेर के साथ एक दो तीन चार पाँच, ये अपने पास तीन नंबर क्रम पर आ जाता है अजमेर, तो ये क्रम आपको याद करना होगा। चलो दो दो स्थानों पर स्थित जिले, देखो दो दो स्थानों पर स्थित जिले बच्चों कौन से हैं, तो आपके पास देखो यहाँ पर राजसमंद अजमेर को डिवाइड करता है, ये देख रहे हैं ना आप, सर नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ देखो बच्चों, ये देखो राजसमंद है, ये अजमेर को यहाँ देखो कट करके, और ये अजमेर, अजमेर भी दो स्थानों पर स्थित है। हाँ सर, एक तो अजमेर हो गया, ओके, दूसरा तो लगभग बच्चों को याद ही होता है, ये चित्तौड़गढ़ को भीलवाड़ा अलग कर रहा है ना, तो चित्तौड़गढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। हाँ सर, ये देखो यहाँ से भीलवाड़ा अलग कर रहा है, तो दो दो स्थानों पर स्थित जिले जैसे अजमेर और चित्तौड़गढ़ हो गए। बात करें राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे, यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है बच्चों अपने पास नज़दीक जिला मुख्यालय, राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक तो दिया जाए तो बच्चों श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर हो जाएगा, हो जाएगा याद। ओके सर, दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा, बीकानेर, बीकानेर हो जाएगा राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय बच्चों अपने पास क्या हो जाएगा, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर हो जाएगा। ओके, और बात करें यहाँ पर दूर जिला मुख्यालय की, तो यहाँ से अपने पास बच्चों क्या हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। ओके चलो, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों का सबसे दूरी के आधार पर क्रम दिया जाए तो बच्चों अपने पास बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर हो गया, कौन सा, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर हो गया। चलो यहाँ से देखो बीकानेर, फिर गंगानगर, ये अपने पास बाड़मेर, जैसलमेर हो गया। अब देखो राजस्थान के वे दो जिले, वे जिले जो दो दो राज्यों के साथ, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन अपने पास, राजस्थान के वे जिले जो दो दो राज्यों के साथ राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, तो बच्चों अपने पास हनुमानगढ़, राजस्थान के वे जिले जो दो दो राज्यों के साथ राजस्थान की अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं, तो हनुमानगढ़ किन किन के साथ बनाता है बच्चों, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ अपने पास पंजाब व हरियाणा के साथ बनाता है, हरियाणा के साथ बनाता है। ओके, भरतपुर है तो अपने पास हरियाणा वह यूपी के साथ बनाता है। ओके, धौलपुर है तो वो अपने पास बच्चों यूपी व एमपी के साथ बनाता है। और बात करें बांसवाड़ा है तो वो अपने पास, बांसवाड़ा वो अपने पास गुजरात
एमपी व गुजरात, एमपी व गुजरात के साथ बनाता है। तो ये अपने पास कितने हैं, चार डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए हैं यहाँ पर बच्चों, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं, तो गंगानगर, गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान के साथ, व अंतर्राज्य सीमा की बात करें तो गंगानगर बनाता है बच्चों पंजाब के साथ। हो जाएगा याद? ओके सर। बाड़मेर, बाड़मेर बच्चों यहाँ पर देखो पाकिस्तान के साथ व गुजरात के साथ, गुजरात के साथ। देखो यहाँ पर गंगानगर है तो गंगानगर अपने पास पाकिस्तान के साथ हो गया, यहाँ से यहाँ पर अपने पास क्या है पाकिस्तान है तो गंगानगर की सीमा इसके साथ हो गई और यहाँ अपने पास पंजाब के साथ हो गई। ओके, यहाँ अपने पास गुजरात है तो गुजरात है तो गुजरात के साथ ये बाड़मेर भी बनाता है और बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी बनाता है। गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बच्चों किसकी, बाड़मेर की ही लगती है। अब यहाँ पर अपने पास बच्चों नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिए है, देखो राजस्थान का एकमात्र ऐसा अविखंडित जिला, ऐसा अविखंडित जिला जो मध्य प्रदेश के साथ दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। सर मध्य प्रदेश, हाँ बच्चों मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश कहाँ होगा, यहाँ होगा बच्चों, कहाँ होगा बच्चों, मध्य प्रदेश यहाँ होगा। तो मध्य प्रदेश के साथ एक तो कोटा, कोटा यहाँ बना देता है, कहाँ, सवाईमाधोपुर और बारा के बीच में, कहाँ सवाईमाधोपुर और बारा के बीच में। दूसरा कोटा दोबारा झालावाड़ व, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ के बीच में। ज़्यादातर बच्चे क्या कर देंगे, बूंदी कर देंगे, नहीं बच्चों ये हो गया अविखंडित है। तो आपका आंसर क्या हुआ, कोटा हुआ। कोटा दो बार सीमा बनाता है, एक बार सवाईमाधोपुर और बारा के बीच में, दूसरा झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ के बीच में। राजस्थान किस राज्य की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित है, राजस्थान किस राज्य की दक्षिण पश्चिम सीमा पर। सर ये आपने दिया दक्षिण और पश्चिमी सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर। तो बच्चों ये अपने पास राजस्थान के यहाँ कौन सा लगता है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास राजस्थान है तो दक्षिण पश्चिमी सीमा पर यहाँ बच्चों क्या होगा, हरियाणा होगा। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, हरियाणा। ओके सर, किस राज्य की उत्तरी व उत्तर पूर्वी सीमा राजस्थान से लगती है, किस राज्य की उत्तरी और उत्तर पूर्वी, देखो किस राज्य की, तो यहाँ पर अपने पास देखो कौन सा हुआ, उत्तरी और उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी की बात हुई है तो गुजरात हो जाएगा बच्चों, गुजरात। गुजरात किस यानी किस राज्य की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा राजस्थान से, तो गुजरात की। हो गया याद, ये देखो बट अपने पास क्या हुआ बच्चों, यहाँ से देखो ये गुजरात है तो गुजरात का उत्तर और पूर्वी हिस्सा राजस्थान के साथ, यहाँ हरियाणा है तो हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा गुजरात राजस्थान के साथ। ओके चलो, मध्यम जिला बच्चों कौन सा है, मध्यम जिला नागौर, मध्यम जिला कौन सा बच्चों, नागौर, लापोलाई, लापोलाई गांव है यदि दिया जाए तो लापोलाई गांव हो जाएगा इसका। यहाँ सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्यम गांव की बात करें तो बच्चों गगराना, गगराना गांव हो गया। राजस्थान का बच्चों आकार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई बार, वैसे सर आप कहोगे विषम कोणीय चतुर्भुज, नहीं बच्चों यहाँ देखो जापान व जर्मनी के तो क्या है, बराबर के आकार का है। बात करें श्रीलंका से, सर ये पांच गुना बड़ा है, श्रीलंका से पांच गुना बड़ा है। ब्रिटेन से, सर ब्रिटेन से ये दो गुना बड़ा है। और बात करें बच्चों इजराइल से तो ये 17 गुना बड़ा है। तो ये अपने पास कुछ फैक्ट होते हैं जो एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ देखो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से देखो अपने पास, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद, राजसमंद देखो राजसमंद है को दो भागों में विभाजित करता है। राजसमंद किसको दो भागों में, सर राजसमंद यहाँ देखो अपने पास तो राजसमंद बच्चों अजमेर को, अजमेर को दो भागों में विभाजित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भीलवाड़ा को दो भागों में विखंडित, भीलवाड़ा को दो भागों में विखंडित करता है। तो भीलवाड़ा किसको विखंडित कर रहा है, भीलवाड़ा बच्चों चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विखंडित करता है।
और चित्तौड़गढ़ जो राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है वह विखंडित डिस्ट्रिक्ट है, विखंडित डिस्ट्रिक्ट है। ओके, कोटा वेरी इंपॉर्टेंट, देखें यहाँ पर कोटा जो राज्य के साथ दो बार सीमा बनाता है वह अविखंडित डिस्ट्रिक्ट है, अविखंडित डिस्ट्रिक्ट है, यह भी दो बार सीमा बनाता है। समझ में आ गया? ओके सर। तो बच्चों आज का लेक्चर ये यहीं संपन्न होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक भी समझ में नहीं आया तो बच्चों एक बार इसको क्या दोबारा रिपीट करें, देखें, बहुत आपको वेल परफेक्ट तैयारी करवाई जाएगी। जो स्टूडेंट्स नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए बच्चों क्या यहाँ संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल करें। यदि आप हमारा ऑफलाइन बेंच अटेंड करना चाहते हैं तो आपका एग्री हब में मोस्ट वेलकम रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।